हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर हाउ आर यू ऑल आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी फाइन एंड सेफ सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग योर क्लास टेंथ इंग्लिश जिसमें कि हम आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसका पहला चैप्टर जो कि है अ लेटर टू तो गॉड ये डिस्कस करने वाले हैं सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ पे योर अटेंशन एज वी विल बी डूइंग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द होल चैप्टर सो so स्टूडेंट्स जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका टाइटल है अ लेटर टू गॉड इसको पढ़कर ही आप ये समझ गए होंगे कि ये चैप्टर इस बात से रिलेटेड है कि कैसे गॉड को लेटर लिखा जाता है ओके सो सम पीपल बिलीव इन गॉड एज़ ऑल ऑफ अस बिलीव इन गॉड बट ये स्टोरी एक फार्मर के बारे में है जो कि इतना परेशान हो जाता है दैट एट लास्ट ही राइट्स अ लेटर टू द गॉड now there is a section before you read okay so we will start from here lencho is a farmer who writes a letter to the god when his crops are ruined asking for a 100 pesos kya likha gaya hai ki lencho jo hai wo ek farmer hai क्या है एक farmer है और क्या होता है वो जो उसकी crops हैं वो ख़राब हो जाती है ruin का मतलब होता है खराब हो जाना ठीक है तो उसकी जो क्रॉप्स हैं वो खराब हो जाती है एंड नाउ व्हाट ही इज़ डूइंग ही इज़ आस्किंग अंड्रेड पैसोज फ्रॉम द गॉड ओके गॉड से वो पैसों की डिमांड कर रहा है क्योंकि उसकी फसल जो है वो खराब हो गई है डज लेंचोज लेटर रीच गॉड अब क्या एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या लेंचो का लेटर जो है वो गॉड के पास पहुँचा क्योंकि गॉड तक तो हम पहुँच नहीं सकते ना हमारा लेटर पहुंच सकता है क्योंकि वो विजिबल नहीं है वो है सभी जगह बट हम उन तक पहुंच नहीं सकते डज गॉड सेंड हिम द मनी और क्या गॉड ने उसे पैसे भेजे जो कि उसने डिमांड किए थे थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट सी दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर हेयर टू चेक योर कॉम्प्रीहेंशन बेटा इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे इसीलिए होते हैं ताकि आप एक एस्टिमेशन लगा पाए एक इंट्यूशन बना पाएँ कि स्टोरी में नेक्स्ट क्या होने वाला है और आपका पर्सपेक्टिव आपका व्यू क्या है इस स्टोरी को लेकर ये जो क्वेश्चन है ये आपके माइंड को यूज़ करने के लिए आपको ओके okay, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप इस स्टोरी के बारे में सोचें चलिए नाउ लेट्स बिगिन द क्लास सो so, यहाँ पे लिखा गया है कि चीपेस्ट वे है मनी भेजने का पोस्ट ऑफिस जाइए आप पोस्ट कीजिए ओके मनी ऑर्डर के लिए जो भी है ये सब चीज़ें यहाँ बताई गई है यस yes, ये मनी ऑर्डर का कुछ दिया गया है आपको ओके सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट यस ओके लेट्स बिगिन इट आई होप दैट आप सबको क्लियरली दिख रहा होगा

उस ये जो ऊंचाई है इसको कहेंगे क्रेस्ट और जो ये हमारा जो है जो फार्मर है उसका घर उसी जगह पर बना गया बनाया गया है फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड एंड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट और क्या बताया गया है भाई ऊंचाई से तो आप बहुत अच्छे अच्छे सीन्स देख सकते हैं तो so, वहाँ से आप रिवर देख सकते हैं फील्ड्स देख सकते हैं जिसके अंदर कि आपको कॉर्न मतलब मक्का दिख सकते हैं आपको फ्लावर्स जो है फूल दिख सकते हैं दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट और क्या प्रॉमिस करते हैं ये गुड हार्वेस्ट की अच्छी फसल होगी द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शार अब यहाँ पे शार मतलब वो वाला शार नहीं है जो आप नहाते हैं रोज बिल्कुल है उसी तरीके की बात शार को इस तरीके से यूज़ किया गया है एज़ ए मेटाफर क्या कैसे यूज़ किया गया है कि बारिश की ज़रूरत थी किसको ज़मीन को ओके okay. ठीक है तो बारिश की ज़रूरत क्यों थी क्योंकि उसे अपनी फसल उगानी थी सो दैट्स वाई द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अशार कुछ बारिश की बूंदों की कुछ बारिशों की जरूरत थी हमारी जमीन को उसकी जमीन को थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट नाउ दीज लाइन्स आर शोइंग दैट द फील्ड एंड द क्रॉप एंड द लंच रेन बिकॉज फॉर द फार्मर्स द रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज एवरी थिंग इज बेस्ड ऑन द रेन ओनली सिर्फ और सिर्फ बारिश पर ही सभी चीज़ें उनके निर्भर करती हैं अगर बारिश अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी होती है और अगर बारिश अच्छी नहीं होती तो फसल भी अच्छी नहीं होती चलिए आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे ये yes. Now we are really going to get some water, women. Now he is talking to someone that कि हम अब अब मुझे लगता है कि हमें सच्ची में कुछ पानी मिल जाएगा मतलब बारिश आ जाएगी The women who was preparing supper, बेटा supper का मतलब होता है खाना या आप कह सकते हैं कोई भी meal, okay? Replied. यस गॉड विलिंग तो हर कोई यही चाहता है कि भगवान उसकी इच्छा पूरी करे और ये लोग भी यही चाहते थे कि बारिश अच्छे से हो और उनकी क्रॉप्स अच्छे से होगी ताकि उन्हें प्रॉफ़िट हो और वो अपना लाइवलीहुड अच्छे से जी सके द ओल्डर बॉयज वो वर्किंग इन द फील्ड और जो ओल्डर बॉयज़ थे आप कह सकते हैं जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड्स में काम करते थे वाइल्ड द स्मॉलर वन्स वर प्लेइंग नीर द हाउस और छोटे बच्चे घर के आसपास खेला करते थे अंटल द वेमेन कॉल टू देम ऑल अंटल द वेमेन जब तक कि वो जो वेमेन है उसने उन सब बुला नहीं लिया कम फॉर डिनर जैसे हमारी सबकी मम्मा हमें बुलाती है ना खैर हमें तो खुद ही मील प्रिपेयर करना पड़ता है खुद ही को बुलाना पड़ता है आप लोग तो आ, मतलब आप सबको मम्मा बुलाती हैं तो आपको जाना पड़ता है आपको मील खाना पड़ता है वैसे ही उनकी मम्मा उन्हें बुला रही है कम फॉर द डिनर चलिए डिनर के लिए आ जाइए इट वॉज़ ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज़ लैंचो हैड प्रडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल ओके बस वो डिनर करने ही वाले थे कि बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदे जो है वो बारिश की ज़मीन पर पड़ना शुरू हो गई ओके इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड भी कुड बी सीन अप्रोचिंग और नॉर्थ ईस्ट साइड में हीज माउंटेन्स ऊँचे ऊँचे माउंटेंस थे वहाँ पर देखा गया कि क्लाउड्स जो हैं वो आ रहे हैं द एयर वॉज़ फ्रेश एंड स्वीट एंड द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट ओके वेन एवर द थिंग्स वर्क अकॉर्डिंग टू अर्स वी फील सो हैप्पी और रेन तो एक ऐसी चीज़ है बेटा जो हम सब को बहुत सूदिंग फील करवाती है रेन ऐसा लगता है कि हम सबको रिवाइव कर रही है कुछ नया दे रही है हम सब में जोश भर रही है द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी बिल्कुल ये सब चीज़ें हम भी करते हैं अपनी हथेली ऊपर बारिश की बूंदें लेकर उसको फील करते हैं ये क्योंकि हम सबको बहुत अच्छा लगता है ऐसा लगता है जैसे कि नेचर के साथ हमारा डायरेक्ट कोई कनेक्शन हो रहा है सो ही वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी अपनी बॉडी पर बारिश की बूंदों को फील करने के लिए वो बाहर गया एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दीज एरन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई दे आर न्यू कॉइंस व्हाट ही सेंग यहाँ पे देखिए ही इज सो हैप्पी दैट कि वो रेन को किससे कंपेयर कर रहा है कंपेयर कर रहा है वो कॉइंस से ओके okay? काइंस मतलब क्या हुआ बेटा कॉइंस मतलब हुआ यहाँ पे सिक्के सिक्के किस लिए ताकि उसको प्रॉफिट हो उसके लिए वो बारिश की बूंदें सिर्फ बारिश की बूंदें ही नहीं है उसके लिए वो है कॉइंस सो ही इज़ कंपेयरिंग दीज रेन ड्रॉप्स विथ काइंस ही इज सो हैप्पी दैट वॉट ही वॉन्टेड इज एक्चुअली देयर इन फ्रंट ऑफ हिज आईज आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा ओके चलिए नाउ लेट्स मूव यस बिग ड्रॉप्स आर टेन सेंट पीसेज एंड द लिटिल आर फाइव और क्या कह रहा है कि जो बड़ी बूंदे हैं वो टेन सेंट की हैं जो उनकी करंसी है और जो छोटी है वो फाइव की आप ऐसा मान सकते हैं कि जो बड़ी बूंदे हैं वो दस के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदे हैं वो पांच के सिक्के हैं ओके विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील ऑफ राइट कॉन विद एट्स फ्लास ड्रेप द न कर्टन ऑफ रेन न क्या हुआ जो पूरा का पूरा उसका फील्ड था वो बारिश से कवर हो गया ड्रेप हो गया ओके ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे दे रखा है बेटा ड्रेप करना ओके मतलब कवर करना ओके सो so, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा फील्ड बारिश से कवर हो गया हो सभी फ्लावर्स हैप्पी आप देखते हैं ना जब भी बारिश होती है कितना ग्रीन ग्रीन एनवायरनमेंट हमें लगता है फ्लावर्स भी ऐसे लगते हैं जैसे खुश हो रहे हैं ओके बट सडनली अ स्ट्रोंग विंड बिगेन टू ब्लो बट क्या हुआ सडनली एक स्ट्रोंग विंड एक बहुत ही जोरदार विंड आई एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल और धीरे धीरे क्या हुआ आप कह सकते हैं बर्फबारी होने लगी या ओले पड़ने लगे धीरे धीरे ओले पड़ना स्टार्ट हो गए दीज ट्रूली रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइंस द बॉयज एक्सपोजिंग दैमसेल्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स बॉयज वैप्पी उन्हें लगा कि ये तो हमारे लिए सिल्वर कॉइंस है बट वॉट द मैन न्यू दैट दीज हेल स्टोन वर नॉट गुड फॉर द क्रॉप्स नाउ लेट्स वॉट इज द नेक्स्ट पैराग्राफ सींग इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन द मे एक्स एक्सक्लेम द मैन ओके क्या बोला कि अब ये बहुत बुरा होता जा रहा है ये जो हेल स्टोन्स है ये क्रॉप्स के लिए अच्छे नहीं हैं आई होप इट पासिस क्विकली मैं ये चाहता हूँ कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एंड आउट द हेल रेंज ऑन द हाउस द गार्डन दिल्स द कॉर्न फीड ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइड एज एफ कवर्ड विद सॉल्ट क्या लिखा गया है देखिए कि वो जो हेल स्टोन है वो एक घंटे से भी ज़्यादा चलते रहे और उनका घर गार्डन हिल साइड कॉर्नफील्ड पूरी की पूरी वैली ऐसा लग रहा था पूरी की पूरी वैली उस बर्फबारी से कवर हो गई और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सॉल्ट से कवर्ड है ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नमक से कवर किया गया है ओके स्टूडेंट्स सो टुडे वी विल बी रीडिंग टिल हियर ओनली आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी कोई चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए डेफिनेटली लेक लेकर आऊँगी इस चैप्टर का कंटिन्यूएशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स आई विल सी इन ने द नेक्स्ट क्लास बाय